अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया मदीना। तो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ व्लॉग में। आज मैंने खाना पकाने लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना वो शेयर कर दूँ, ये रेसिपी शेयर कर दूँ कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ। तो मैं पकाने लगी हूँ आलू और चिकन। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ चिकन और आलू। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर डालनी है। और मैंने इसके लिए लिया है एक प्याज, इसके लिए लिए है मैंने एक प्याज और दो टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें और 4 अदद मैंने लिए हैं आलू और थोड़े से 5-6 इसके लिए हैं लहसुन लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और इसमें मैंने लिया है गरम मसाले में ये थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया सूखा धनिया और थोड़ा सा मैंने लिया है ये काली मिर्ची और थोड़ी सी रेड मिर्चें सूखी हुई और दालचीनी 2 अदद लौंग और थोड़ा सा ये है जीरा। और इसके बाद थोड़ा सा ये कलवंजी है, ये वाली ब्लैक वाली कलवंजी है। तो उसके बाद हम रेसिपी शुरू करते हैं। हम थोड़ी सी देचकी में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। तो थोड़ा सा ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारे गरम मसाले डाल रहे हैं। ये सारे गरम मसाले जो हैं हम देचकी में डाल देंगे। ये सारे गरम मसाले मैंने देचकी में डाल दिए। जब गरम मसाला मैंने डाल दिया सारे गरम मसाले तो उसके बाद मैंने मुर्गी डाल दी। तो मैंने मुर्गी डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई करना है मुर्गी को अच्छे से ताकि इसमें स्मेल ना आए। ये देखिए मैंने मुर्गी कितनी अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अभी और ज़्यादा होगी तो इंशाल्लाह से आप साथ साथ रहिएगा मेरा व्लॉग देखने के लिए। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया एक बाउल में और इसके बाद मैंने प्याज जो लिया था उसको मैं इस चॉपर में मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हम इस प्याज को साथ में मैंने वो लहसुन अदरक और हरी मिर्चें जो थी उनको भी मैंने ग्राइंड कर ली। प्याजों को ग्राइंड करने के बाद मैंने देचकी में डाला है, थोड़े से ये फ्राई हो जाए। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक हम दूसरा काम कर। हमारे प्याज फ्राई हो गए अच्छे से। उसके बाद हमने जो सब्ज़ मिर्ची और लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये मैंने इसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया तो ये अच्छे से ये दोनों फ्राई हो जाए तीनों। इंशाल्लाह से बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे इसमें। ये हमारा अच्छे से हो गया है, भुनाई हो गई प्याज की अदरक लहसुन और मिर्चों की, सब्ज़ जो मिर्चें अच्छी तरह भून गए। और अब हम इसमें हम डालेंगे सारे मसाले दूसरे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो है ये मसाले हैं सारे, ये हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा नमक, ये हरी रेड मिर्च और ये है कड़ी पाउडर। तो हम ये ऐड करते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि इनकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से हमारा देखो मसाला जो हमने बनाया था वो अच्छे से भुना गया है और ऊपर ऑयल भी ऊपर आ गया माशाल्लाह से। अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं ताकि हमारे आलू कच्चे ना रहे। हमने ये आलू ऐड कर दिए, तब तक हमारे आलू पकते हैं हम दूसरा काम कर लेते हैं, किचन की सफाई कर लेते हैं। तो हमारे जब तक आलू पक जाएं थोड़े थोड़े से तो उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। तब तक हम अपने किचन की सफाई कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे आलू देखें कितने खूबसूरत से पक गए हैं। तो इसमें हम बाकी का प्रोसीजर डालते हैं। हमारे आलू इतने अच्छे से पक गए तो इसमें मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है इसका टमाटर का
और थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने योगर्ट डाला है, दही डाला है, तो हम ये भी इसमें ऐड करते हैं। मैंने दही और उसका जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मैं हलाती हूँ। ये अच्छे से भून जाए, ये भी मिक्स हो जाए ना अच्छे से। उसके बाद फिर हम चिकन डालेंगे, ये अच्छे से भून जाए उसके बाद हम चिकन डालेंगे। हमारा आखिरी प्रोसीजर, जब हम पक किसी डिश में डबाएंगे तो इंशाल्लाह से आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं एंड का। फ्रेंड, जो हमने मुर्गी फ्राई की थी वो मैंने इसमें डाल दी है आलू में, तो ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से भुना जाए। ये इसको हम अच्छे से हम भून लेंगे, साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि जल ना जाए। ये देखिए मैंने मुर्गी इसमें ऐड की है, मुर्गी अच्छे से मुर्गी फ्राई हो जाए। इसके बाद हम डिश में निकालेंगे और आखिरी प्रोसीजर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे आलू और चिकन की रेसिपी? यकीनन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मैंने आज जो रेसिपी बताई आप लोगों को, और बहुत मज़ेदार, उसमें इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और जिसने खाना है आ जाए, तो इसके बाद इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी अपनी दुआ में याद रखूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।